हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कहीं आज के वीडियो में यहाँ पे कोकोन एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग बॉट वाला फीचर है उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कैसे यहाँ पर ये बॉट काम करती है और क्या क्या यहाँ पे इसके फीचर्स है क्यों यहाँ पे ये यह इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में कवर करूँगा तो भाई यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो पे एंड तक बने रहे हैं कहीं सबसे पहले अगर आप लोग के पास अभी तक यहाँ पर कोकोन एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं है तो कहीं जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जा करके सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लो कैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस उस पर भी यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बन रखी है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ से जा करके आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो तो ये यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आपने यहाँ पर जो भी वेरीफिकेसन वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है अब मैं आप लोग को यहाँ पे सीधा ले जाकर के बताता हूँ कि कैसे आप लोग को यहाँ पे बॉर्ड को यूज़ करना है क्या इसके बेनिफिट्स और कैसे आप लोग को यहाँ पे इसे प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करना होता है यहाँ पे बहुत सारे बॉट्स अभी यहाँ पे चार से पांच बॉट अवेलेबल है कोकॉइन एक्सचेंज पे सभी बॉड के बारे में मैं आप लोग को एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कहीं जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोकोन ऐप ओपन कर लिया कहीं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फंड को यहाँ पर ट्रांसफर करना होता है ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे एक नीचे एसेट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है जैसे एसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्रांसफर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करना आपको इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे कौन से कॉइन को ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पे किस में ट्रेड करना चाहते हैं यू में या फिर यहाँ पे बीट कोइन में या फिर कैसे कर सकते हो तो यहाँ पे कूकइन का नेटिव टोकन है तो मेनली लोग यहाँ पे यू या फिर यहाँ पे बी में करते हैं तो ये यहाँ पे यू कर लेते हैं उसके बाद आप लोग को यहाँ पे उस यू को जिससे आप लोग यहाँ पे बॉट ट्रेडिंग में यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो उसको आप लोग यहाँ पे मेन अकाउंट से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है आप लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिपॉजिट करोगे वहाँ पे आप लोग को डिफॉल्ट यहाँ पे आप लोग का मेन अकाउंट सेलेक्ट रहता है तो यहाँ पे आप किसी अदर एक्सचेंज से यहाँ पर जो फंड डिपॉजिट करते हो तो वो जो आप यहाँ पे मेन अकाउंट में, में जाकर डिपॉजिट हो जाता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन अकाउंट से उस अमाउंट को आप लोग को यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है एक भी रुपये आपको यहाँ पर ट्रांसफर करने में नहीं लगने वाला है आपको यहाँ पर जितना भी अमाउंट जैसे ट्रांसफर करना है जैसे यहाँ पर अभी मेरे पास इस अकाउंट में यहाँ पर अभी वन यू एस डी टी अकाउंट पड़े हुए हैं ये बस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इस अकाउंट का यहाँ पे यूज़ किया नहीं तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे अकाउंट में ट्रेडिंग बोर्ड का यहाँ पे बहुत दिनों से अच्छा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो भी आपका यहाँ पे जितना भी यू एस आएगा आप लोग यहाँ पे उसे करके आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एसेट जो यहाँ पे इंस्टेंट आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद गया यहाँ पर आपको आना होम पे होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रेडिंग बॉट है ये जो देख सकते हो इस पर आप लोग को क्लिक करना है तो वह यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा यहाँ पे टोटल अभी यहाँ पे फाइव बॉट अवेलेबल है इसके अलावा कहीं अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी एन वगैरह क्लेम करते हो तो वो जो आप यहाँ पे माई एन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो तो कहीं यहाँ पे आप लोग को मैं एक एक करके सारे बॉर्ड के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ हम स्पॉट ग्रिड वाले के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो मेनली यहाँ पर प्रीफर करता हूँ स्पॉट ग्रिड वाले को नहीं तो यहाँ पर स्मार्ट रिबेलेंस वाले को सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूजर जो स्पॉट ग्रिड वाले में जो कि यहाँ पे फाइव मिलियन कराउड में मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे इसी के बारे में बताता हूँ इस पर आप लोग को क्लिक करना है और कहीं यहाँ जो सबसे हाईएस्ट जो एपीआर पी आर यहाँ पर जनरेट हुआ इस बॉर्ड के थ्रू वो जो यहाँ पे एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फाइव परसेंट का है कहीं चलिए जानते हैं कि यहाँ पे ये यह बॉट काम कैसे करता है इस बॉट का यहाँ पर काम होता है कि जब भी यहाँ पर प्राइस नीचे जाती है उस प्राइस पर बाई करके और जब भी यहाँ पर प्राइस उस बाइंग प्राइस यहाँ पर ऊपर जाता है उस प्राइस पर जा करके सेल कर देता है और ऐसा यहाँ पर यह कंटिन्यू करता ही रहता है जिसके कारण आपको यहाँ पर एक गुड अमाउंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो जाता है इस बॉट के थ्रू बॉट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है लेकिन यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमाइज़ का जिससे आप लोग खुद से यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो तो या दूसरा यहाँ पे ए आई पैरामीटर्स है जिसमें यहाँ पे जो लिमिट वगैरह वो यहाँ पर खुद से सेट रहेगा आपको सिर्फ यहाँ पे आपका कॉइन सेलेक्ट करना होगा कॉइन आपको सेलेक्ट करने के लिए मतलब जो भी क्रिप्टो में आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जैसे अगर बिटकॉइन में करना चाहते हो मतलब बी में तो यहाँ पे बी या फिर जिस भी कॉइन में सेलेक्ट करना चाहते हो आप लोग यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेना उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी ये सब जो डाटा है वो यहाँ पे आपका फिक्स रहेगा अगर आप यहाँ पे खुद से इसे कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज वाले ऑप्शन तो पे जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कॉइन में ट्रेड करना है उसे आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे, पे, पे लोअर प्राइस रेंज और यहाँ पर जो हाई प्राइस रेंज इस प्राइस रेंज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है जैसे अगर यहाँ पे ए पैरामीटर्स में जाएँ तो यहाँ पर ये जो ट्वेंटी से लेकर के फिफ्टी तक है तो फिर यहाँ पे ये जो बॉट है यहाँ पे इसी प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करता रहेगा इसे आप लोग खुद से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि नहीं ट्वेंटी से यहाँ पर करे और यहाँ पर जो हाइस्ट करे वो यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड तक करे तो वो जो आप यहाँ पर खुद से कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पे उसका आता है नंबर ऑफ़ ऑर्डर प्लेस्ड बस तो आप यहाँ पर कितना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करवाना चाहते हो इस प्राइस रेंज के बीच में तो जो कि आप यहाँ पर मिनिमम दो से लेकर के सौ तक कर सकते हो तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आप लोग को सॉरी यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आप लोग यहाँ पे हंड्रेड कर देना क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ तो ज़्यादा आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप लोग यहाँ पे डाल देना है आप यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो जो यहाँ पे थाउजेंड डॉलर का कर सकते हो हालांकि कैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ये यह ज़्यादा है कि और भी यहाँ पे बहुत सारे केस है जैसे यहाँ पे जिसमें आप लोग यहाँ पे कम अमाउंट से भी आप लोग यहाँ पे बॉट स्टार्ट कर सकते हो कहीं यहाँ पे आप लोग को एडवांस सेटिंग का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है जिसमें आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पर आपको वो सब फीचर्स मिल जाएंगे अगर आप लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो करना कहीं जैसा कि अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आप लोग यहाँ पे एक स्माल अमाउंट से भी आप लोग यहाँ पे बॉट स्टार्ट कर सकते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉइन वगैरह यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे स्पेसिफिक कॉइन में आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा जैसे अभी यहाँ पे हम देखते हैं जब भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है यहाँ पे स्टार्ट करके कोई है तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसमें जो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर फोर्टी डॉलर का है तो कहीं यहाँ पर आप लोग को ऐसा नहीं है कि आप लोग के यहाँ पर लार्ज अमाउंट ही चाहिए आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आप लोग यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट से भी आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो तो जब आप लोग यहाँ पे इस बॉड के बारे में समझ में आ गया होगा यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट कर लेना है जो भी क्रिप्टो में आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो, तो आप लोग यहाँ पे अगर ए आई पैरा यूज करना तो ए आई पैरा वाले में आ जाना है नहीं तो आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ यहाँ पे डाटा फिल करना चाहते हो तो कस्टमाइज वाले में आपको क्लिक करके जो भी लिमिट वगैरह सेट करना होगा सेट करके यहाँ पे कितना डॉलर का आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसे आप लोग यहाँ पे एंटर करके आप लोग को बस यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे बॉड को स्टार्ट कर देना है और कहीं जैसे आपके यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका ये जो बॉट है यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड हो जाएगा और जो भी आपके यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा वो आपके यहाँ पे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा तो यह अब यहाँ पे नेक्स्ट बॉट के बारे में जान लेते हैं जो कि है यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडी का इस पर हम क्लिक करते हैं कहीं चलिए जानते हैं ये जो बॉट है यहाँ पर पिछले बॉट्स से यहाँ पर कैसे अलग और यहाँ पर इसका क्या यूज़ है तो कहीं यहाँ पर आप लोग का स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कई यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाएगी अगर आप लोग यहाँ पे खुद से एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे खुद से भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कई यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो वर्चुअल रियलिटी का एक कैटेगरी मिल गया इसके अलावा यहाँ पे बी इंडेक्स का मेटावर्स एन एफ टीज जैसे यहाँ पर मेटावर्स का हो गया डी का हो गया डी कैटेगरी में यहाँ पर जो जो यहाँ पे टॉप के कॉइंस हैं उन सबको यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा कहीं यहाँ पर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ जैसे यहाँ पे सबसे नीचे मेटावर्स वाला है यहाँ पे आप लोग को क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है अगर आप लोग यहाँ पे इस कैटेगरी में यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो और कहीं यहाँ पे इस कैटेगरी में जो भी यहाँ पे टॉप के कॉइन्स रहेंगे वो आपके यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा अगर आप लोग यहाँ पे किसी को कॉइन को हटाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक क्रॉस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप उस कॉइन को यहाँ पर हटा भी सकते हो जैसे वाई जी को मैंने यहाँ पर हटा दिया कहीं यहाँ पे ये यह बेनिफिट है आप लोग को यहाँ पे इस कैटेगरी का कि आप लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो जो आपको यहाँ पे इन सारे कॉइन्स जो भी आप लोग यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करोगे उसमें आप लोग को यहाँ परसेंटेज के हिसाब से आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे अगर यहाँ पे इस केस में एग्जांपल लें तो अगर आप लोग यहाँ पे हंड्रेड डॉलर इन्वेस्ट करते हो तो उसका जो फिफ्टीन डॉलर है मतलब फिफ्टीन परसेंट जो भी आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे उसका फिफ्टीन आपको यहाँ पर इंजन कॉइन में इन्वेस्ट हो जाएगा फिफ्टीन आपका इस कॉइन में और ऐसे करके जो भी आप लोग यहाँ पर कॉइन सेलेक्ट करोगे उसमें आपको यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग कोई भी कॉइन को ऐड करना चाहते हो तो उसे आप लोग यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो ऐड कॉइन वाला आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है फिर आप लोग को जो भी कॉइन को ऐड करना है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर वन इंच का कर दिया सर so, आप लोग यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करके इसे आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और आप लोग यहाँ पे इसका परसेंटेज वगैरह आप लोग यहाँ पे डिक्रीज़ करना चाहते हो या फिर इंक्रीज करना चाहते हो फिल्टर वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन दी जाता है इस पर आप लोग क्लिक करके उसे आप लोग यहाँ पे चेंज कर पाओगे कहीं यहाँ पे स्पॉट का यहाँ पे ये बेनिफिट है कि अगर आप लोग यहाँ पे हंड्रेड डॉलर इन्वेस्ट करते हो अगर स्पॉट क्रेडिट वाले में करोगे तो वो जो आपका टोटल यहाँ पर वन क्वाइंट पर लग जाएगा लेकिन आप लोग यहाँ पे हंड्रेड डॉलर इसमें आकर के इन्वेस्ट करते तो वो जो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कई एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे यहाँ इंजन कॉइन की जो प्राइस है यहाँ पे जो तीस परसेंट एग्जाम्पल मानते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज़ कर गए और ऐसे यहाँ पे तीन चार कॉइन की इंक्रीज कर गए और अगर यहाँ पे किसी दो या तीन कॉइन की यहाँ पे डिक्रीज भी कर जाती है तो कहीं ओवरऑल आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट मेरा हो गया अगर यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में करते हो तो आप लोग को यहाँ पे क्या होगा अगर सेम एक ही कॉइन आता है वहाँ पर अगर उस कॉइन का प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा तो कहीं यहाँ पर आप लोग का जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर डिक्रीज़ कर जाता है तो यहाँ पे आप लोग को लॉस का भी चांस है इसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिमिलर प्रोसेस रहता है सारे बॉट बॉड कलर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल कर यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके बॉट को क्रिएट कर लेना है कहीं यहाँ पे आप लोग जो भी बॉट वगैरह यहाँ पे क्रिएट करोगे उसका आप लोग यहाँ पे रनिंग स्टेटस आप लोग यहाँ पे रनिंग वाले सेक्शन में जा करके देख सकते हो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना जो भी बॉट आपके यहाँ पे रन हो रहा होगा उसका सारा कुछ यहाँ पे आपको बता देगा जैसे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस चल रहा सब कुछ जैसे कि आप लोग नॉर्मल यहाँ पे स्पॉट ट्रेड वगैरह करते हो तो जो भी आप लोग डिटेल्स देखना चाहते हो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे इसी ऑप्शन पर मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप लोग तो यहाँ पे डिफरेंट बॉड क्रिएट किए हो तो आप लोग को यहाँ पर किस बॉर्ड से यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है कितना परसेंटेज का वो जो आप यहाँ पर प्रॉफिट वाले सेक्शन में जा करके देख सकते हो और अगर आप लोग तो यहाँ पर अपना रैंकिंग देखना कि वीकली रैंकिंग आपके यहाँ पे क्या चला या फिर यहाँ पर डेली रैंकिंग वो जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो रैंकिंग वाला ऑप्शन पर तो चलिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट बॉट का हम बात कर लेते हैं तो कहीं वो है यहाँ पे फ्यूचर ग्रेड का यहाँ पे बैक चलते हैं कई यहाँ पर ये जो सिमिलर आपको यहाँ पे स्पॉट क्रेड की तरह लेकिन कहीं यहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग होगा वो 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 आपके यहाँ पे फ्यूचर में होगा मतलब फ्यूचर जो डेरीवेटिव जिस जो भी आप लोग यहाँ पे यहाँ पर बोलते होगे गए को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करना है या फिर अगर आप लोग किसी का कॉपी करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे उसका कॉपी भी कर सकते हो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करना है और सिमिलर आपको यहाँ पे एआई पैरामीटर्स में सारा कुछ आपको यहाँ पे फिक्स्ड मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पे खुद से कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे जाओ लिबरेज वगैरह आप लोग यहाँ पे जो भी आपका सेलेक्ट करना होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्या यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग यहाँ पे मैक्मम यहाँ पे टू टू थ्री तक जाना क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कंटिन्यूस बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है अगर आप यहाँ पर लिव, ज़्यादा लिवरेज सेलेक्टेड हो गए तो क्या यहाँ पे कुछ ही सेकंड में आपके यहाँ पर सारा फंड खत्म भी हो सकता है तो क्या यहाँ पे सिमिलर सारा कुछ वैसे ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे यहाँ पर यूज़ करना होता है बॉट को बस आप लोग को यहाँ पर क्रिएट करना है अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग करना चाहते हो तो आप लोग को यहाँ पर लॉन्ग वाला ऑप्शन क्लिक करके लॉन्ग कर लेना होता है और यहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट आई थिंक इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है तो चलते हैं बैक और अगर यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला जो बॉट है डी वाला उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये ये जो बॉट है यहाँ पर मुझे काफ़ी सही लगता है कई यहाँ पे डी सी आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग समझो जिसका फुल फॉर्म होता है कई यहाँ पे ये यह जो बॉट है यहाँ पे मेरा पर्सनल फेवरेट है यहाँ पे आप लोग को इस बॉट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कहीं यहाँ पर आप लोग को कुछ अलग पैरामीटर्स मिल जाते हैं पहले से कई यहाँ पे आप लोग डी सी आप लोग ये समझो कहीं यहाँ पर आप लोग को एक फिक्सड इंटरवल पर आप लोग यहाँ पे जिस भी कॉइन को सिलेक्ट करते हैं उसमें आप लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है कहीं यहाँ पर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जैसे यहाँ पर आप लोग को कॉइन सेलेक्ट कर लेना है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बी टी रहने देते हैं उसके बाद गई यहाँ पे आपको एक इन्वेस्ट एवरी वाला ऑप्शन दिख जाता है जिसे आप लोग यहाँ पे खुद से कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे जैसे वन डे सेलेक्ट है अभी तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे जो भी इंटरवल आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो जैसे अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे पर डे यहाँ पे मैं दो डॉलर या फिर दस डॉलर यहाँ पर किसी को मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ तो आप लोग को यहाँ पर वन डे सेलेक्ट कर लेना है या फिर अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि पर वीक यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो तो आप लोग को यहाँ पर वन वीक सेलेक्ट कर लेना है एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे करके बता देता हूँ वन वीक सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद क्या जहाँ पर आप लोग को टाइम यहाँ पे आप लोग को सलेक्ट कर लेना है कि किस टाइम पर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो जैसा आप लोग चाहते हैं यहाँ पे वन वीक सेलेक्ट होते हैं पर वीक के आपको यहाँ पे दो बजे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए तो आप लोग यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेना होता है यहाँ पे नाउ पे आप लोग क्लिक करके एडिट कर सकते हो इसे टाइम पे करना चाहते हो उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना और पर वीक आपको यहाँ पे उस टाइम पे आपका यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो जो आपको जो यहाँ पे पर वीक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और आपका यहाँ पे जो एवरेज माइनिंग प्राइस रहेगा वो आप यहाँ पे काफ़ी सही हो जाएगा मैं मेनली जो यहाँ पे डी करता हूँ यहाँ पे टॉप के कॉइन्स में करता हूँ तो भाई अगर आप लोग भी यहाँ पे डी के लिए स्पॉट का यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे क्या होगा कि फंड आपको यहाँ पे पहले ही से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग वालेट में आपको यहाँ पे जो डिपोजिटिटिटिटिट करके रख देना होगा और कैसे यहाँ पे स्पॉट वालेट से ट्रेडिंग वालेट में यहाँ पर फंड ट्रांसफर किया जाता है वो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कहीं यहाँ पर मैंने आप लोग को स्पॉट ग्रीड स्मार्ट एवलेंस फ्यूचर ग्रेड और यहाँ पे डीसी के बारे में दिया एक और बॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है इन्फेंट्री ग्रेड वाला जिसके बारे में आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तो कहीं अगर आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत बोलना और कहीं अगर आप लोग को यहाँ पर कोई भी क्वेरी वगैरह आती है या फिर कुछ भी दिक्कत आती है आप भी आप लोग को इस बॉर्ड को यूज़ करने में तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो मैं सारे लोग का यहाँ पर कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा और कहीं अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ पर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना मत बोलना और साथ में अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वही सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर लूँ ताकि इस तरह की वीडियो जब भी हम फ्यूचर में अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद